और चाची जी कैसे हो? उल्टे हाथ से मत खा, रख नीचे। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है उल्टे हाथ से मत खाया कर, उल्टे हाथ से खाने से अशुभ होता है। क्या उल्टे हाथ से खाना खाना अशुभ होता है? मतलब इतने दिनों से मैं कितना अशुभ काम कर रही थी, पर अब नहीं। अब चाची जी और क्या क्या हम उल्टे हाथ से नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए ना। हाँ 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 अरे चाची जी ने क्या कहा था? बेटा उल्टे हाथ से कभी झाड़ू नहीं लगाते, अशुभ होता है। अरे शांता क्या हुआ तुझे, तेरे हाथ में क्या दर्द है जो तू ऐसे झाड़ू लगा रही है? अरे नहीं मीम साहब, वो क्या है ना, मैं बचपन से उल्टे हाथ से काम करते आई हूँ, पर अब मुझे समझ आ गया है कि सारे काम सीधे हाथ से करने चाहिए, शुभ होता है, तो इसलिए झाड़ू पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अरे पर ऐसा नहीं है, तू उल्टे हाथ से काम कर, ये शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं मीम साहब, होता है। अब आप ही देख लो, आप सीधे हाथ से काम करते हो ना, इसलिए आप मेम साहब हो, और मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ, इसलिए काम वाली। पर अब शांता कोई शुभ काम नहीं करेगी। हाँ ये शांता भी ना गलत गलत चीजें अपने मन में पाल रही है। अरे पागल, उल्टा नहीं सीधा हाथ। ये ले शांता, थोड़ा नाश्ता तू भी कर ले। अब जी साहब। चाची जी ने क्या कहा था? बेटा उल्टे हाथ से कभी खाना नहीं खाते, बहुत अशुभ होता है। उल्टा हाथ नहीं सीधा हाथ। अरे शांता क्या हुआ तुझे, ऐसे बच्चों की तरह क्यों खा रही है? साहब वो सीधे हाथ से पहली बार खा रही हूँ ना, इसलिए आप नहीं समझोगे। क्या हो गया इसे? अरे हाँ हाँ, अरे बस दो मिनट। अरे शांता जल्दी से, मैं एड्रेस बोलती हूँ, वो तू लिख जल्दी। जी जी मैम साहब। अरे शांता उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से लिख। हाँ हाँ बोलिए, सोनल रेसिडेंसी, हाँ विप्लव बंगलो के पास, हाँ हाँ घर नंबर 213, हाँ और नंबर 9783, हाँ हाँ 4678। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है शांता, वो एड्रेस मुझे दे दो। अब जी मैम साहब, ये लीजिए। शांता ये क्या लिखा है तूने, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मेम साहब वो मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ ना, सीधे हाथ से लिखा है, इसलिए आप शायद पढ़ नहीं पा रहे हो। एक तो इतनी मेहनत से मुझे ये नंबर और एड्रेस मिला था, और वो भी तूने सही से नहीं लिखा, मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बनता काम बिगाड़ दिया। सब सही कहते हैं, मैं हुई अशुभ। बचपन से ना मुझे सभी ताना मारते आए हैं, उल्टे हाथ से काम करती है, उल्टे हाथ से लिखती है, उल्टे हाथ से खाती है, उल्टी है तू, अशुभ है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सीधे हाथ से काम करने की, पर मेरा उल्टा हाथ आगे आ ही जाता है। अब मैंने आपका काम बिगाड़ा। हाँ मैं हूँ अशुभ। अरे शांता तू गलत समझ रही है, मैं तुझे अशुभ नहीं कह रही हूँ। नहीं मीम साहब, मैंने आपका काम बिगाड़ा, मैं हुई अशुभ, सब सही कहते हैं। वैसे उल्टे हाथ से तो मैं भी काम करता हूँ, खाता हूँ और लिखता हूँ, तो क्या मैं भी अशुभ हूँ? शांता
किसी के अशुभ कहने से हम अशुभ नहीं बन जाते, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हम दूसरों से अलग हैं, हम तो लेफ्टी हैं। पर साहब, मेरी चाची जी कहती है कि ना उल्टे हाथ से कोई काम नहीं करते, अशुभ होता है, उसका क्या? शांता, हम सब अलग हैं, कोई सीधे हाथ से काम करता है, कोई उल्टे हाथ से। अच्छा एक बात बता, दुनिया में ज्यादातर लोग सीधे हाथ से काम करते हैं तो क्या सारे खुश हैं, सारे करोड़पति हैं? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शांता, आगे से खुद को कभी अशुभ मत समझना, और अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो उसे मेरी बात जरूर समझा देना। जी जी साहब। जी चाची जी, आगे से मैं हमेशा उल्टे हाथ से ही काम करूंगी, आप मुझे ये मत कहना कि मैं अशुभ हूँ। अशुभ है तू, अशुभ। ओहो, तो सीधे हाथ से काम करके आपने कौन से बड़े बड़े झंडे गाड़ लिए बताइए। हर महीने मैं घर काम करके पूरे 2000 रुपए भिजवाती हूँ आपको, और आप मेरी मेहनत का खाके मुझे अशुभ कह रहे हो। अब से मैं आपको कुछ नहीं भिजवाऊंगी, कमाना आपने सीधे हाथ से। अरे बेटा, चलिए चाची जी। बुरा मत लगा, अरे तू तो बहुत शुभ है, फोन काट दिया। जो भी कहो, मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ, लेफ्टी जो हूँ। और आप में से कोई मेरी तरह लेफ्टी है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।